चची बस भी करते हैं, कब तक लगी रहेंगी, थक गई होंगी आप। अच्छा, चची की बहुत फिक्र है तुम्हें, और दर्द से जो मेरा सर फटा जा रहा है उसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं है। अब सर में तो दर्द होगा ना भाई, जब एक दिन में आप 10-10 लड़कियां देखने जाएंगी। 10-10 लड़कियां? अम्मी, लेकिन क्यों, किस लिए? क्या मतलब, एक महीने के लिए तो आए हो तुम, मैं तो अब तुम्हारे साथ तुम्हारी दुल्हन ही भेजूंगी, और तुम देखना, तुम्हारे लिए ऐसी दुल्हन पसंद करूंगी कि दुनिया देख के दंग रह जाएगी। अम्मी, मुझे दुनिया की वाह वाह नहीं चाहिए, दुल्हन तो ऐसी होनी चाहिए जो शोहर को अच्छे लगे, ना कि दुनिया वालों को। हाँ तो तुम्हारी दुल्हन अगर खूबसूरत और हसीन होगी तो तुम्हारा दिल खुश होगा ना उससे। अब देखो ना, ऐसी लड़कियों के तो रिश्ते फौरन तय हो जाते हैं। अब हमारी आयत की तरह तोड़ी, अब आम सी शक्ल की, अब देखो ना घर पे बैठी हुई है, रिश्ता ही नहीं आता। किसने कहा आपको क्या आयत आम सी शक्ल की लड़की है? इंटेलिजेंट है, अट्रैक्टिव है, बस सादा रहती है थोड़ा सा। बस बस, अब ज्यादा झूठे कसीदे पढ़ना ना शुरू कर देना इसकी शान में। भाई हम तो इसके अपने हैं ना, इसलिए हमें बुरी नहीं लगती, लेकिन जो लड़की देखने आता है ना बेटा, वो लड़की की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करता है, देखता है रंग कैसा है, देखने में कैसी है, चलने में कैसी है। बस सच पूछो तो इसको देख देख के ना मुझे बहुत फिक्र होती है कि कौन करेगा इससे शादी। हाँ भी, आप इसकी फिक्र ना करें, साजा ने बहुत अच्छा रिश्ता बताया, इंशाल्लाह हो जाएगा। मैं आता हूँ। अच्छा तो फिर बुलाओ ना उन लोगों को, जरा जल्दी बुलाओ। मैं नहीं चाहती कि जब मेरी चांद सी बहू इस घर में आए तो आयत का उसे देखकर दिल खराब हो। और वैसे भी साजदा ने ना बहुत उल्टी सीधी तस्वीरें भेजी हैं लड़कियों की मुझे। कई बार उसे बताया है कि मुझे आम सी लड़की नहीं चाहिए अपने बेटे के लिए, लेकिन नहीं, समझ ही नहीं आ रहा उसको। जैसे मैं खूबसूरत हूं ना, और जैसे मेरा बेटा हसीन है, मुझे तो ऐसी बहू चाहिए अपने लिए। जी देखो आयत, प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। अम्मी के मना करने से क्या फर्क पड़ता है, शादी तो मुझे करनी है ना, और मेरे लिए दुनिया की सबसे हसीन लड़की तुम हो। लेकिन मुझे देखकर दुनिया वाले वाह वाह नहीं करेंगे, कोई ये नहीं कहेगा कि वाह कितनी जबरदस्त बहू लेकर आई है। ये दुनिया वाले कौन होते हैं? देखो मेरे लिए सिर्फ चंद लोग मेरे दिल के बहुत करीब हैं, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया वाले क्या कहते हैं और क्या नहीं। लेकिन ताई जी के कहने से तो तुम्हें फर्क पड़ता है ना। यार तुम फिक्र क्यों कर रही हो, देखो मैं उनका इकलौता बेटा हूं, मैं किसी भी तरीके से उनको मना लूंगा। देखो आयत, ये कीमती आंसू जाया करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। बिलाल मुस्तफा की शादी आयत मुस्तफा के साथ ही होगी, तुम फिक्र ना करो, मैं उनसे बात करूंगा। आयत? अरे वाह माशाल्लाह, मेरी अम्मी का फेस तो खूब जगमगा रहा है। किसका फोन था, किससे बात कर रही थी? साजिदा का फोन आया था, वो जिनसे तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही थी ना, उन लोगों को तुम्हारी तस्वीर बहुत पसंद आई, बस वो जल्द से जल्द आना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि कोई निशानी डाल दें। लेकिन अम्मी आजकल यूं तस्वीर देखकर सिर्फ रिश्ता कौन फिक्स करता है? अब मिलने तो आ रहे हैं ना बेटा, तुम दोनों आपस में बात कर लेना, मिल लेना। मेरे हिसाब से तो लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, अच्छी पोजीशन पर काम कर रहा है, साहिबी जायदाद है, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत खानदानी लोग हैं। भाभी हमेशा कहती थी कि मेरी बेटी को कौन पूछेगा, अल्लाह की करनी देख लो, कितना शानदार रिश्ता आया मेरी बेटी के लिए।
उसका जितना भी शुक्र अदा करूं वो कम है। मैं भाभी को बताकर आती। अम्मी ये सब कुछ इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है? आयत, माँ हूं मैं तुम्हारी, दिल का हाल जानती हूं, लेकिन एक बात बता दूं बेटा, तुम और बिलाल जो ख्वाब देख रहे हो ना, वो भाभी कभी पूरा नहीं होने देंगे। उनको बहू की शक्ल में दिखावे के लिए एक खूबसूरती का मुजस्मा चाहिए, और हम आम लोग उनके मियार पर नहीं उतरते। अम्मी आप क्यों परेशान हो रही हैं? बिलाल ने कहा तो है वो बात करेगा ताई जी से, और उसे पूरा यकीन है वो मान जाएंगी। देखो आयत, लड़कियों को ना ससुराल में मोहब्बत की ही नहीं इज्जत की भी जरूरत होती है। थोड़े दिन इंतजार कर लेते, शायद कोई करिश्मा हो जाए। थैंक यू मम्मी। आने दो जरा साजिदा को, ऐसी खबर लूंगी ना उसकी कि सारी जिंदगी याद रखेगी। अरे भाभी क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हैं आप? देखो तो जरा नजमा, मेरे हैंडसम खूबसूरत पढ़े लिखे बेटे के लिए मुझे हूर चाहिए, और साजिदा अपनी शक्ल की लड़कियां दिखा रही है मुझे उसके लिए। नहीं भाभी, इस तरह किसी की बेटियों के लिए नहीं बोलते। अब तुम मुझे जरा एक बात बताओ, मेरे हैंडसम बेटे के सामने एक आम सी लड़की क्या मुनासिब लगेगी? नहीं ना, अल्लाह बख्शे तुम्हारे जेठ को, वो भी एक वजी आदमी थे और मैं उस जमाने की एक हसीन औरत। हम जब इकट्ठे कहीं निकलते थे ना तो लोग अश अश करते थे हमें देखकर। तो मैं भी तो अपने बहू और बेटे के लिए लोगों की नजरों में सताइश चाहती हूँ ना। सही बात है ताई जी, जैसी बहू आपको चाहिए वैसी तो ऑर्डर पे बनवानी पड़ेगी। मैं हसीनो जमील बहू ढूंढने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकती हूँ, और लोग कहते हैं ना कि ढूंढने से तो सब कुछ मिल जाता है। देख लेना, चांद का टुकड़ा लेकर आऊंगी मैं अपने शहजादे के लिए। मगर चांद में भी तो दाग होता है। तुम फिक्र मत करो, हमारा चांद ना बिलाल की तरह बेदाग होगा। वैसे तुम अपनी स्किन को तो देखो कैसे ढल रही है, ख्याल नहीं रखती क्या? अगर नए नक्श अच्छे ना हो इंसान के तो कम से कम अपनी स्किन का ही ख्याल कर ले। मैं जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ, मुझे अपना आप ऐसे ही अच्छा लगता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मजबूरी का नाम शुक्रिया। मैं पूछने आई थी कि खाने के लिए क्या बनाऊँ। कुछ भी बना लो, कुछ अच्छा सा बनाना। जी अच्छा सुनो नजमा, वो मिलाद है बराबर वाले घर में, तो चलना है? जी भाभी, मैं भी जा रही हूँ और आयत भी जाएगी। अच्छा ठीक है, तुम कपड़े निकाल लो, और सुनो जरा आयत के लिए ना दबे रंग के कपड़े निकालना, क्योंकि उसका रंग काफी गहरा है ना, तो खिले हुए रंग के कपड़े उस पे अच्छे नहीं लगते। हो सकता है कि उसके लिए तुम्हें वहां कोई लड़का मिल जाए। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें मैं, अगर आम सी भी शक्ल का हुआ ना तो हाँ कर देना, क्योंकि देखो तुम्हारी भी तो मुश्तबा से शादी हुई थी, तो तुम भी तो आम सी थी ना। अब हमारी तरह तो हसीन नहीं थी ना, हमारी तो जोड़ी बहुत ही खूबसूरत थी। मैं जरा आई। आयत आई एम सो सॉरी। ये वक्त है आने का, कब से इंतजार कर रही हूँ मैं। यार मैं क्या करता, अम्मी के सोने का इंतजार कर रहा था। वैसे भी चंद दिनों के लिए आया हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई बदमस्ती हो। ठीक है तो फिर मान जाओ ना उन्हीं की बात। पागल हो क्या, कैसी पागलों वाली बातें कर रही हो? अम्मी जिस किस्म की लड़की ढूंढ रही है ना, मुस्तकबिल में दूर दूर तक उन्हें नहीं मिलने वाली, और जो लड़की मुझे पसंद है ना
वो मेरे सामने खड़ी है। लेकिन बिलाल, ताई जी हम दोनों की एक दूसरे की पसंद से अनजान नहीं है, वो सब जानती हैं, बस जाहिर नहीं करती क्योंकि उन्हें मेरे जैसे आम चेहरे वाले लोग कभी नहीं भाते। और फिर इस बार तो मामला बहू से लेकर करने का है, वो कैसे मान सकती हैं? देखो ऐसी बात नहीं है, मैं मानता हूँ कि अम्मी हुसन परस्त हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, मेरी बात को कभी रद्द नहीं करेंगे। छोड़ो ना, क्या बात लेके बैठ गई हो, ये बताओ कि कैसी हो तुम? शुक्र है अल्लाह का कि ये मसला भी हल हो गया। अरे कुछ पता भी है? साजदा का फोन आया था, वो बता रही थी कि लड़के की माँ को तो तुम दिलो जान से बहुत ज्यादा पसंद आ गई हो। भाई वो तो बस पागल हो गई है, उसे बार बार फोन पे फोन कर रही है कि मुझे लड़की वालों के यहाँ लेके चलो लेके चलो। कहती है कि मैंने उसकी तस्वीर देखी है लड़की की, माशाल्लाह से नाक नक्शा तो उसका बड़ा ही हसीन है, अब रंग रूप कैसा है वो तो जाके ही देखूंगी ना। हाँ तो देर किस बात की अम्मा, बुलवाएं ना, जल्दी बुलवाएं। वैसे भी अब तो मेरा ये रंग गोरा करने वाली ड्रिप और विटामिन सी का सारा कोर्स पूरा हो गया, और ये देखिए मेरी आईलैशेस एक्सटेंशन कितनी अच्छी लगाई है उसने। और अम्मा जब ये तेरी बेटी लेंस लगाती है ना आंखों में, ऐसी बार्बी डॉल की तरह निकल के आती है शक्ल, बस हेयर एक्सटेंशन लगवा देती तो अच्छा हो जाए। अरे क्यों नहीं करवाऊंगी, कल ही जाके लगवा ले ये हेयर एक्सटेंशन। ये बुरे बालों वाली एक्सटेंशन लगवाओगी, रंग तुम्हारा वैसे गोरे, आंखें तुम्हारी वैसे नीली है, तो मेरी बेटी शहजादी लगेगी। लाओ बस फिर 2 लाख रुपए दे दो। फिर 2 लाख? अरे अभी अभी कुछ दिन पहले तो तुम्हें मैंने दिए इतने पैसे, वो अपनी नाक को क्या करवाते हैं वो ठीक करवाने के लिए। हाँ तो पैसा लगाया है, जब ही तो इतने शानदार रिश्ते भी आ रहे हैं ना। मैं बोलती हूँ ना अम्मा कि ये दुनिया और लोग जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ शक्ल और सूरत देखते हैं और कुछ नहीं। खैर कल जाकर हेयर एक्सटेंशन लगवा लूंगी, फिर उस लड़के को भी बुला लेना, फिर देख लेंगे, अगर मेरी तरह हसीन हुआ दिखने में तो फिर फट से हाँ कर दूंगी। जाऊँ करती हूँ तो पैसे करा रही हूँ ना मुझे बेटा, कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त करना पड़ेगा, पैसा वैसा भी आ जाएगा इंशाल्लाह। हाँ हाँ बहुत जल्द बताऊंगी तुम्हें, फिक्र नहीं करो। मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। अम्मी 2 दिन से आपको ढूंढ रहा हूँ लेकिन आप नजर ही नहीं आ रही, कहाँ मसरूफ हैं आप? अब सारी मसरूफियात खत्म बिलाल, जिस कोहिनूर की मुझे तलाश थी ना वो मिल गया मुझे। अब देखना आस पड़ोस वाले रिश्तेदार बहन भाई जब मेरी होने वाली बहू को देखेंगे ना तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बिलाल मैंने तुम्हारे लिए चांद का टुकड़ा ढूंढ निकाला है। अम्मी वो मैंने लड़की पसंद कर ली है और वो मुझे अच्छी भी बहुत लगती है, और उसका नाम है आयत। उसमें अच्छा जैसा लगने वाली कौन सी बात है बेटा? लेकिन जब तुम हुस्ना को देखोगे ना तो मुझे यकीन है कि तुम अपने आप को भी भूल जाओगे। अम्मी मैंने आपको कह दिया ना, मुझे आयत अच्छी लगती है और वो मुझे इस दुनिया की सबसे हसीन लड़की भी लगती है। तो फिर ऐसा करो कि किसी आंखों वाले डॉक्टर के पास जाओ और अपनी आंखों का इलाज कराओ, और फिर भी अगर अफाका ना हो ना तो किसी दिमाग के डॉक्टर के पास जाओ। देखो बिलाल तुम जब हुस्ना के साथ चलोगे ना तो लोग तुम्हें मुड़ मुड़ के देखेंगे, और जब तुम इसके साथ चलोगे ना तो लोग तुम्हें जहनी मरीज समझेंगे, कहेंगे ये लड़का पागल हो गया है क्या, खुद ही कीचड़ में गिरना चाहता है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप आयत के बारे में इस किस्म के ख्यालात रखती हैं। अच्छी खासी इंटेलिजेंट है, खुश इखलाक है वो। उस खुश इखलाकी का क्या मैं अचार डालूं? और अगर इंटेलिजेंट है तो मैं क्या करूं? देखो बिलाल अगर अब तुमने उस चुड़ैल का नाम मेरे सामने लिया ना तो मैं माँ बेटी को घर से बाहर निकाल दूंगी, बहुत निभाली मैंने रिश्तेदारी। अम्मी बस मैं अब और नहीं सुनूंगा। अच्छा तो क्या करोगे, माँ को छोड़कर चले जाओगे उन चुड़ैलों के पीछे? बताओ ना क्या करोगे मुझे।
एक बात सुन लो बिलाल मेरी, तुम अगर तुमने इससे शादी की ना तो तुम अपनी आने वाली नस्ल को खराब करोगे। जैसे ये अपनी माँ की बेटी है ना, इसी तरह तुम्हारे बच्चे भी होंगे। अबे क्या बुराई है आया तो चची जान की शक्ल में, इतनी अच्छी खासी शक्ल तो है उन लोगों की। ये तुम नहीं, तुम्हारे ऊपर किया हुआ जादू बोल रहा है जो उन दो चुड़ैलों ने तुम पे किया हुआ है। एक बात याद रखना बिलाल, मुझे अपनी इकलौती बहू इस घर में वो चाहिए जो मेरे घर का नाम ऊंचा करे और मेरे घर की शान बढ़ाए, ना कि मेरे घर की हंसी उड़वाए। समझ गए? परेशान मत हो बेटा, इस तरह परेशान हो। चची अम्मी कुछ भी सोचें कुछ भी बोलें, ठीक है, मैं शादी सिर्फ और सिर्फ आया से ही करूंगा। मगर मुझे अब तुमसे शादी नहीं करनी। अम्मी आप साजिद आंटी से कहें कि उन लोगों को बुला लें जो हमसे मिलना चाह रहे हैं। पागल हो गई हो? नहीं, अकल आ गई है। फिलहाल तुम्हारे घर में हुस्न का सिक्का चलता है और मेरे पास तो वो करेंसी है ही नहीं। तुम अभी तो जिद जोर जबरदस्ती से मुझसे शादी कर लोगे, मगर ताई जान की नजर में, उनकी नजर में तो मैं हमेशा चुड़ैल और जादूगर नहीं रहूंगी ना। आयत देखो तुम इस वक्त गुस्से में हो, हम बाद में बात। नहीं, अब हम कभी बात नहीं करेंगे। और अगर तुम मुझसे वाकई मोहब्बत करते हो तो मेरी इज्जत की खातिर मुझे छोड़ दो, क्योंकि अपनी मर्जी से शादी करना तुम्हारे इख्तियार में जरूर होगा, मगर अपनी मनकूहा को ताई जान से इज्जत दिलवाना वो तुम्हारे बस में नहीं है। अम्मी अगर मैं उन लोगों को वाकई पसंद आ गई हूं तो आप उनसे बोलें कि हमें जल्द शादी करनी है। फिर मैं आपको भी अपने साथ ही ले जाऊंगी। इस दुनिया की सबसे हसीन दुल्हन। आज तो तुम वाकई बहुत प्यारी लग रही हो। ताई जी आपने जिंदगी में पहली बार मेरी तारीफ की है, कहीं मैं खुशी से मरी ना जाऊं। फिलहाल एक बात बोलूं, मानोगे? बोलो। ताई जी ने जो तुम्हारे लिए चांद का टुकड़ा ढूंढा है ना, उसे अपना लेना। अगर वो कोहिनूर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो उसे फिर से ढूंढने में ना बरसों लग जाएंगे। तो परसों इस मुल्क से चली जाऊंगी जमाल के साथ, लेकिन मैं चाहती हूं कि जब मैं दोबारा यहां आऊं तो तुम्हारी हसीन बीवी और एक खूबसूरत बच्चा मेरा इस्तकबाल करे। बोलो मानोगे मेरी बात? चलो भाई, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, देर हो रही है। आओ आज आज
हुस्ना, ए हुस्ना, तेरी सास आई है। अजीब जाहिल किस्म की औरत है अम्मा, ऐसे किसी के घर पे मुंह उठा कर आ जाते हैं क्या? इन्फॉर्म करके आते हैं ना। अच्छा अब अगर आ गई है तो कपड़े बदल लो ना और आ जाओ, मिल लो उससे। मैं मिलूंगी। अम्मा क्या हो गया, अभी कल ही जाकर फिलर्स लगवाए मैंने, मेरा मुंह देखो हर तरफ से सूजा हुआ है, मैं क्यों मिलूंगी? अच्छा तू ही बता के क्या बोलो उसे। भाई कोई भी बहाना बना दो, बोलो कि वो शादी से पहले वाली जो सर्विसेज होती है ना वो लेने के लिए पार्लर गई हुई है, उसके सामने तो मैं चमकती धमकती नजर आनी चाहिए ना, इतना पैसा लगाने का क्या फायदा, पूरा मुंह सूजा हुआ है, ये देखो हाथ देखो मेरे। नहीं नहीं नहीं, मैं समझ सकती हूँ, करती हूँ कोई ना कोई बहाना, अब तुम खुद ही सोचो। लड़के वाले भी क्या मुसीबत है भाई, रिश्ता क्या हो गया, समझते हैं कि लड़की वालों को हमने खरीद लिया, जब दिल चाहा मुंह उठा के आ गए। करती हूँ जाके इससे कोई बात भाई। अल्लाह क्या मुसीबत हो गई है, कहाँ से? नजमा आज तो मजा आ गया, मेरी हसीन बहू को ना सब लोग देख रहे थे और मुझे यकीन है कि उनको अपनी बहू में बहुत बुरी लग रही होंगी। वैसे शबाना तो मुझसे पूछ रही थी कि चांद का टुकड़ा कहाँ से ढूंढ कर ले आई हो भाई तुम। जी भाभी आप सही कह रही हैं, सब बहुत तारीफें कर रहे थे आपकी बहू की। हाँ भाई जब मेरा बेटा इतना हैंडसम है तो उसके मुकाबले की ही दुल्हन लानी थी ना मैंने भी। वैसे आया ता जाती ना शादी में तो अपनी आंखों से मेरी बहू को भी देख लेती। मैंने उसके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और ऑनलाइन भी उसे सारे फंक्शंस दिखाए। अब मस्कत में रहती है इतनी दूर से तो ऐसे ही शरीक हो सकती थी ना। वैसे वलीमे के अगले दिन बिलाल और हुस्ना भी बाहर जा रहे हैं, फिर तो हम दोनों अकेले रह जाएंगे। वो भाभी मैं ना आयत के पास जा रही हूँ, जमाल मेरे वीजे के लिए कोशिश कर रहा है। लमिया ने मुझे बहुत अच्छा दामाद दिया है, वो कह रहा था कि तुम्हारी माँ है तो मेरी भी माँ हुई, मैं उन्हें इस तरह तन्हा कैसे छोड़ सकता हूँ। हाँ वैसे आयत ना किस्मत की बहुत धनी है, इतनी आम सी शक्ल पर उसको इतना अच्छा शौहर मिल गया। जी भाभी दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, दरअसल एक अच्छे जौहरी को हीरे की पहचान होती है और जमाल और उसके घर वाले ऐसे जौहरी हैं जिन्हें मेरे हीरे जैसी बेटी की कदर है। शुक्र है अम्मी का वीजा लग गया, मैं तो बस इन्हीं को लेने आई हूँ। कर ताई जी अब आप इतने बड़े घर में अकेली कैसे रहेंगी? तुम फिकर मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। वैसे 6 माह नाराज रहा है मुझसे मेरा बेटा कि मैंने उसकी जिद नहीं मानी, फिर जब मैंने उसे शर्म दिलाई ना कि आया तो अपने घर में बहुत खुश है, तुम किस बात का सोग मना रहे हो? भाभी जो बात शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई है उसे आप क्यों दोहराए जा रही हैं? मैंने तो ऐसे जिक्र कर दिया था, जैसे मेरी बहू बहुत हसीन है, अब हुस्न के सामने उसे सभी घुटने टेक देते हैं। अब देखें ना मेरे बिलाल ने मुझसे नाराजगी अपनी दूर कर ली और वो पाकिस्तान आ रहा है हुस्ना को लेकर, अब दोनों मेरे साथ इसी घर में रहेंगे। दादा दादी हसीन, माँ बाप हसीन, तो सोचो पोते पोतियाँ कितने हसीन होंगे। अम्मी मैं ऊपर जा रही हूँ, आपकी पैकिंग भी तो करनी है और परसों तो हमें निकलना ही है। ठीक अच्छा सुनो वो कल आ रहे हैं ना हुस्ना और बिलाल, तुमसे मिल लेना, थोड़ी देर मुलाकात कर लेना, क्योंकि देखो खैर से तुम माँ बनने वाली हो, अब अच्छी शक्ल सूरत चेहरे देखोगी तो बच्चे पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। ताईजान आप ऐसा करें, आप ना हुस्ना की एक तस्वीर बड़ी करवा कर मुझे दे दें, मैं अपने बेडरूम में लगाऊंगी और दिन रात देखा करूंगी ताकि मेरा बच्चा भी तो हसीन पैदा हो। वैसे वो कल आ तो रही है, उसकी तस्वीर ले लेना तुम, अब बेबी पे उसकी जरा भी परछाई पड़ गई ना तो समझो तुम्हारा बेड़ा पार। जी क्यों नहीं। वैसे शादी के बाद तुम्हारी बेटी मगरूर नहीं हो गई है? पहले तो इस तरह से बात नहीं करती थी। नहीं नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगा। अच्छा तो
तुम कहती हो तो मान लेती हूँ। अरे भाभी काफी देर हो गई है, अभी तक बिलाल लोग आए नहीं। बस आते ही होंगे नजमा। अरे आ गए बच्चे मेरे। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। चाची आयत कैसे हैं आप लोग? ठीक हूँ। बेटा हुस्ना नहीं आई? अम्मी आपके सामने खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारा रंग कैसे जल गया? और तुम्हारे बाल? तुम्हें हुआ क्या है? कहीं कोई बीमारी तो नहीं हो गई तुम्हें? क्या हो गया आंटी आपको? ये सारी आपके इस बेटे की मेहरबानी है। शादी से पहले 4 ड्रिप्स लगवाती थी मैं गोरा होने वाली हर महीने। आईलैशेस एक्सटेंशंस, हेयर एक्सटेंशंस, और तो और जो लेंस लगाती थी मैं कलर वाले वो भी लगाने से मना कर दिया। तुम जैसी हो मुझे वैसी अच्छी लगती हो। समझाएं इसको कुछ, शक्ल नहीं देखी जाती है मुझसे आईने में अपनी, पूरी शक्ल बदल के रख दी है मेरी। वो दिखावा था, हकीकत नहीं थी, और वो सब कुछ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ हाँ, क्योंकि तुम तो चाहते ही यही हो ना कि तुमसे कमतर नजर आऊं मैं। खुश हो अब? तुम्हें जरा एहसास नहीं होता मेरी शक्ल देखकर? अजीब सी हो गई हूं मैं। किसने कहा तुम अजीब सी लग रही हो? आईने में खुद को एतमाद से देखा करो, क्योंकि हम सब का खालिक अल्लाह ताला है। उसने हर इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया है, और तुम ऐसे भी बहुत अच्छी हो। बस देखने वाली और सराहने वाली आंख चाहिए, जो बिलाल के पास है। और वैसे भी तुम्हारा असल तो तुम्हारे शौहर के लिए है ना, दुनिया के लिए तो सब दिखावा है। आओ मेरे साथ आओ।